हूँ आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीलीभीत नाबालिग युवती की हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के खुलासे की दी जानकारी। जनपद पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में बीते दिनों नाबालिग छात्रा की हत्या का आज हुआ खुलासा। दरअसल छात्रा का उसी के स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व छात्र से प्रेम प्रसंग चलता था, जिसमें दोनों के बीच फोन से बातचीत व लेटर का आदान प्रदान होता था। लड़की के पिता को इसकी जानकारी हुई, तब उसके लड़के के पिता से शिकायत की, जिस पर लड़के के पिता ने लड़के को बाहर भेज दिया। एक साल के बाद जब लड़का वापस आया और अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा, जिसके बाद उसे शक हुआ कि उसकी प्रेमिका का किसी और से प्रेम संबंध हो गया है, जिससे लड़का नाराज था। मृतिका उससे संपर्क करने से बच रही थी। 13/11/2021 को लड़का सुबह लड़की के गांव से जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। जब लड़की कोचिंग पढ़ने गांव से बाहर निकली, तब लड़का लड़की को गन्ने के खेत में बातचीत करने के लिए साइकिल समेत ले गया और उससे दूसरे से संबंध के बारे में पूछा, जिस पर लड़की भड़क गई और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। लड़के ने लड़की के सिर पर कई मुक्के मारे, जिससे वह जमीन पर पेट के बल गिर गई। तब लड़के ने उसके दुपट्टे से उसके गले में लपेटकर उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और लड़का वापस जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। दोनों के प्रेम प्रसंग के लेटर की बरामदी किए गए हैं। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद लड़का का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ शोएब अंसारी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। कथित रेप के बाद हत्या का खुलासा किया है, क्या साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, किसे गिरफ्तार किया? देखिए, छात्रा की हत्या में उन्हीं के साथ पढ़ने वाला एक साल पूर्व पढ़ने वाला एक पूर्व छात्र का जो नाम आया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये 1.5 साल से इनका रिलेशनशिप चलता रहा है। घर वालों को एक साल जब पहले पता चला, इनको अलग अलग कर दिया गया था और लड़के को बाहर भेज दिया गया था। कोरोना काल के बाद ये जब लौट के आया, या अपने फादर के साथ दुकान में बैठने लगा और लगातार इनके रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू होती रही है। लड़की जो बच्ची है वो अपने पिता के मोबाइल से इनके साथ संपर्क में रहा है और फादर को भी धोखे में रखा है, उनको पता भी नहीं चला इनके आपस में संपर्क है। और लड़का जो है लगातार अपने मोबाइल से ही संपर्क में रहा है और इनके बीच में इनके पुराने दोस्तों के माध्यम से, इनके कोचिंग में पढ़ने वाले पुराने एक दोस्त के माध्यम से इनके लिखित जो प्रेम पत्र आदान प्रदान हुआ है। और हम लोग 10 प्रेम पत्र, लड़की का लिखा हुआ पत्र, लड़के के घर से बरामद किया है और इसमें तमाम बातें प्रकाश में आई है, जिसके डायरेक्शन में हम लोगों ने इनके मोबाइल फोन्स को कंगाला। उसमें काफ़ी मैसेजेस जुलाई लास्ट तक भी मैसेजेस मिले हैं, आमने सामने मिलने की बात प्रकाश में आई है। इसी दौरान लड़के को बहुत सारे जो अपने कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के ये इन्फॉर्मेशन देते थे, लड़की कहीं और से भी संबंध है, तो इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित हुए और जिससे संबंध है इस संबंध में स्पष्ट करने के लिए अपने प्रेमिका को लेटर भी लिखा, बल्कि वो लेटर्स हमको मिले नहीं। रिप्लाई में जो प्रेमिका ने जो लिखा है उसमें काफ़ी सारे अपने स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए हैं और इस चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि ये लड़का काफ़ी शक करता था। तो इसी बीच में, क्योंकि लड़की से ये पहले से संपर्क में था, लड़की इस पर विश्वास करती थी, बट इनके मन में जो शक इस लेवल तक बढ़ गया है, ये आक्रोश में बदल रहा है और स्पष्टीकरण मांगने ये उस दिन सुबह गया है। लड़की पहले से इनको जानने की वजह से विश्वास में इनके साथ गन्ने के खेत में चली गई, वहीं पर इन्होंने गला घोट के अभी इनके साथ जो मर्डर किया है और वहाँ से अपने चुपचाप निकल गया है, आराम से अपने घर जाके फिर वहाँ दुकान पे जाके बैठ गया है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा पुलिस के कोऑपरेशन नहीं दी गई। बाद में जब इनके कोचिंग के जो दोस्त ये चीज़ें बताने लगे, तब इन्होंने लेटर और फोन्स बरामद करा। बाकी अभी भी जाँच प्रचलित है। इनके मोबाइल फोन्स जो है फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के लिए भेजा जा रहा है ताकि और टेक्निकल इनपुट्स मिल सके, साथ साथ इनके न्यायालय से नार्को एनालिसिस के लिए अनुमति लेके इनसे और गहन जांच की जाए।